मैं बोलूंगी तो बैठ लेगा गंगा भाभी, लेकिन आप कितने धीरे धीरे गेहूं बीनती हो। मैं तो सारे कंकर निकालती हूँ, तू आधे कंकर छोड़ देती है। कोई नहीं सकता मेरे में कंकर, तो क्या छोटी सी कंकरी भी नहीं मिलेगी। ये तो कुछ भी नहीं, मेरे ससुराल में जब मैं गेहूं बीनती थी ना, तो कंकर कंकरी तो क्या धूल भी नहीं छोड़ती थी। अगर ऐसा ही है तो सारे गेहूं आप ही क्यों नहीं बीन लेती। अरे भदिया, नहाने में इतना थक जाता है तो नहाता क्यों है? काकी, मैं नहाकर नहीं कसरत करके आया हूँ, वो भी पूरे 2 घंटे। अरे 2 घंटे में थक गया? अरे हम तो लगातार 8-10 घंटे गांव में चक्की पिसा करते थे। हाँ, फिर भी नहीं थकते थे? अरे गाँव के कोई भी मेहनत का काम करो ना तो थकान नहीं होती है, इसीलिए तो गाँव की औरतें मिर्ची कूटते वक्त, फसल काटते वक्त, गेहूँ गलते वक्त सारे काम गा के करती है। मैं बोलूंगी तो बैठ लेगा साखर बुआ, अगर ऐसा ही है तो गा कर ही सही, लेकिन हमारे काम में तो हाथ बटा दिया करो। मैं गाने में ही थक जाती हूँ ना। और ऐसे भी बात भदिया की चल रही है, भदिया तू गा और पौड़ी बना। मुझे गाना गाना कहाँ आता है? तो खुद क्यों गाता है? तू गाएगा मेरे लिए? नहीं नहीं, म्यूजिक सिस्टम पर गाने बजा कर कसरत किया कर। गुड आइडिया। ए चिंटू, तू ये तेरा वॉकमैन मुझको दे देना। पागल है क्या? ये वॉकमैन तो कल मेरी गर्लफ्रेंड रीना ने मुझे बर्थडे गिफ्ट दिया था। क्या? मगर कल तेरा बर्थडे कहाँ था? भैया तुझे पता है, इन्हें पता है, लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड को थोड़ी पता है। मैं तो हर साल 20-25 बर्थडे मना ही लेता हूँ और लड़कियों से गिफ्ट बटोरते रहता हूँ। क्या आंखें फाड़ के क्या देखता है? ये सबके बस की बात नहीं है। वैसे ये टैलेंट भगवान बहुत कम लोगों को देता है, उसमें से मैं एक हूँ। मैं चला, मेरी गर्लफ्रेंड रीना बस स्टॉप पर मेरा इंतजार कर रही है। कोई बात नहीं भदिया, मैं हूँ ना, तुझे कोई गाना याद है? है? चल तू कोशिश कर गाने की, मैं हूँ, चल बेटा। सुनो। हाँ हाँ सुनो, चल। वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो, वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो, वतन। ए मम्मी। हाय। हाय, क्या अब बाय करने का समय हो गया है? पिछले 2 घंटे से इंतजार कर रही हूँ। क्या हुआ? लेकिन हम लोग तो 8 बजे ही मिलने वाले थे। अरे मैंने तुम्हारे घर फोन करके टाइम चेंज का मैसेज दिया था ना। मुझे मैसेज मिला ही नहीं है। चिंटू, हमेशा मैसेज ना मिलने के बहाने क्यों बनाते हो? मैं जा रही हूँ। सुनो सुनो, गुड बाय। कल कितने बजे मिलोगी? हाँ बोल। अरे हाँ बोल दूंगी। बुआ। हाँ। किसका फोन था? अरे हाँ चिंटू, तेरे लिए किसी लड़की का फोन था। किसी लड़की? मतलब कौन सी लड़की बुआ? भूल गई। ओफो बुआ, मैंने आपको कितनी बार बताया मेरे मैसेज ठीक से लिया करो ना, अब मैं कौन सी लड़की को फोन करूंगा? शीला को फोन करूं, पिंकी को करूं, या टीना को करूं? ए सबको कर, चल जब देखो तब लड़की के पीछे। कोई मेरे मैसेज ठीक से देता ही नहीं। व्हाट इज योर डायल नंबर, व्हाट इज मोबाइल नंबर, चिंटू चिंटू देख मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। बढ़िया, ये मोबाइल कहाँ से ले आया? कोई मोबाइल वाले के साथ लड़ाई की क्या? छीन कर नहीं लाया हूँ चिंटू, खरीद कर लाया हूँ, खरीद कर। खरीद कर क्यों लाया? अरे तूने ही तो कहा था कि अगर कसरत करनी हो तो म्यूजिक सुनते हुए करनी चाहिए, इसलिए मैं ये खरीद लाया। पागल, तो म्यूजिक सिस्टम ले आता ना। अरे चिंटू, म्यूजिक सिस्टम ही तो खरीदने गया था, मगर मालूम है उस दुकान में सारे म्यूजिक सिस्टम एकदम खराब थे, सब में एक ही गाना बार 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 बज रहा था। फिर मुझे दुकानदार दिखा, उसके हाथ में ये मोबाइल था, इसमें इतनी बढ़िया ट्यून आती है, इतनी बढ़िया, इसको सुनकर जब मैं एक्सरसाइज करूंगा ना, फिर देखना मेरे डोले, फिर देखना कॉलेज में कोई मुझसे टक्कर नहीं लेगा। अगर ये मोबाइल मेरे हाथ में आ गया तो मेरे मैसेज ना मिलने का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, मेरी सारी गर्लफ्रेंड्स इसी मोबाइल पे मुझे कांटेक्ट करेगी। कुछ ना कुछ चक्कर चलाना पड़ेगा। अरे वाह बढ़िया, मस्त है मोबाइल। अच्छा है ना, कलर भी अच्छा है ना, ब्लू। अरे बहुत बढ़िया। और मालूम है इसका म्यूजिक तो बहुत बढ़िया है। हाँ हाँ, लेकिन बढ़िया। हाँ, ये मोबाइल पर म्यूजिक तब बजेगा ना। हाँ, जब कोई इस पर फोन करेगा। हाँ, लेकिन 2 दिन अगर किसी ने फोन नहीं किया तो म्यूजिक बजेगा ही नहीं। नहीं बजेगा। और तू 2 दिन कसरत नहीं करेगा? क्यों, कसरत क्यों नहीं करूंगा? अरे म्यूजिक क्या बजेगा? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। सोच सोच।
मैं वापस देकर आता हूँ। ए रुक रुक रुक, मेरे पास एक रास्ता है। रास्ता मुझे मालूम है, मैं वहीं से तो आ रहा हूँ। वो रास्ता नहीं तो सोच, तेरे काम की चीज मेरे पास है और मेरे काम की चीज तेरे पास है। मतलब ये तो वॉकमैन है चिंटू। हाँ तो म्यूजिक बजेगा ना इसमें। इसमें मगर इसको कान पे लगाकर कैसे करूंगा? इस पे कान पे लगाएगा ना तो सिर्फ तू ही म्यूजिक सुन पाएगा, और अगर इस पर म्यूजिक सुनेगा तो सारी दुनिया म्यूजिक सुन लेगी, इस पर कसरत कर लेगी और बॉडी बना लेगी। हाँ ये तो है, तो मैं ये रख लूं? रख ले हैं? रख ले, आज से ये तेरा और ये मेरा। हाँ हाँ वो तो रख ले, मैं इस पे कसरत शुरू करूं अभी से। शुरू कर, है ना? थैंक्स, तू मेरा कितना ख्याल रखता चिंटू। थैंक्स 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 तो मुझे तुझे कहना चाहिए पगले। आज से ही मोबाइल मेरा, अपनी सारी गर्लफ्रेंड्स को फोन करता हूँ और बता देता हूँ मैंने मोबाइल खरीदा है। आप पिंकी? हेलो, कौन बोल रहा है? अरे कौन कौन क्या कर रहे हो, मैं तुम्हारा बॉस शेर सिंह बोल रहा हूँ। बॉस बोलिए बोलिए। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि चापान एरिया फैमिली को खुश रखा करो? सर मैं तो उन्हें बहुत खुश रखता हूँ। क्या खाक खुश रखते हो? अभी कल ही तुम्हारी बीवी उन्हें कुछ उल्टा सीधा बोल के आई है। पापा का फोन आया था मुझे, वो अपना बैंक से सारा पैसा उठाने की धमकी दे रहे हैं मुझे। सर ये धमकी तो आजकल उनका तकिया कलाम हो गया है, जब देखो पैसा निकालने की धमकी देते रहते हैं। अगर उनकी धमकी एक दिन हकीकत में बदल गई तो मैं तुम्हारा डिमोशन करके तुम्हारा ट्रांसफर जुमरी तलैया करवा दूंगा। लगता है बॉस विविध भारती बहुत सुनता है। जुमरी तलैया कहाँ आया? वो तुम भारत के नक्शे में से ढूंढ लेना, लेकिन अभी पहले जाओ और पापा से माफी मांगो, समझे तुम? इडियट। चुग्गी विस्की की दुम की तरह टेढ़ी की टेढ़ी ही रहेगी। क्या हुआ, किसका फोन था? तुम्हारी सौतन का। कहीं उसने चाय पे तो नहीं बुलाया? हाय मीना, करीना, oh, I'm so sorry, you know, मेरी भतीजी है ना मीना, उसकी आवाज बिल्कुल तुम्हारे जैसी है। हाँ इसलिए गलती हो गई। क्या आज मैं तुम्हारे साथ पिक्चर देखने चलूं? नहीं नहीं, आज तो मैं और आज मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है ना, तो आज मैं नहीं आ पाऊंगा। क्या गा? आज तुम्हारी बर्थडे, दोनों को एक साथ ही आना था। अच्छा सुनो, मैं तुम्हारे साथ पिक्चर देखने आऊंगा, लेकिन हम तीनों साथ में जाएंगे। अरे तीनों मतलब मैं, तुम और रिंकू। हाँ मेरी दूर की बहन है। ओके बाय। रिंकू, अरे बाप रे, अभी तक होल्ड करके रखा है। आई एम सॉरी, सुनो मैं तुम्हारे साथ पिक्चर देखने आऊंगा, लेकिन एक शर्त पर, टिकटें तुमने निकालोगी। टिकटें मैंने निकाल दिए। हाँ हाँ हम तीनों साथ में जाएंगे, मैं तुम और मेरी एक बहन। हाँ गांव से आई है। सुनो, एक तरफ तुम बैठना, एक तरफ मेरी बहन बैठेगी और बीच में मैं बैठूंगा। लेकिन सुनो, मेरी बहन के साथ बात मत करना। हाँ ओके बाय। लड़कियां, ये रिंकू की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, अब नीता को कैसे समझाऊंगा? उसके तो घर जाकर कोई बहाना बनाना पड़ेगा। लड़कियां 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 लड़कियां। चिंटू बेटा, देख कर नहीं चल सकते थे? देखने का वक्त नहीं है, अगर ये देखूंगा ना तो मैं नीता को देख नहीं पाऊंगा। मेरा मोबाइल। अरे पापा, अरे पापा, रमणीक पापा। किससे काम है? पापा आपसे काम है। तो मुझे आवाज देनी चाहिए ना। आप ही के नाम की तो मैं आवाज लगा रहा हूँ। लगता है तेरी आवाज कमजोर हो गई है। कोई बात नहीं, मैं एक जड़ी बूटी दे रहा हूँ। नहीं 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 पापा, नहीं नहीं, रहने दो, जितनी है वो भी चली जाएगी। क्या पापा, अगर आप, आपके कान से कम सुनाई देता है तो कानों की कोई दवा क्यों नहीं लेते? मैंने जड़ी बूटी ली थी, तभी से कम सुनाई देता है। ये बात छोड़, क्या काम था वो बोल। पापा आपसे एक विनती है, आप बार बार मेरे हेड ऑफिस फोन करके मेरे बॉस को मेरी शिकायत मत कीजिए प्लीज। तू सुनता नहीं, इसलिए तेरे शेठ को मुझे शिकायत करनी पड़ती है। लगता है मेरे कान भी कमजोर हो गए हैं। गलती हो गई पापा, अब से मैं आपकी हर बात सुनूंगा। वादा
वादा, मगर आप भी वादा कीजिए आप मेरे बॉस को कभी फोन नहीं करोगे। नहीं, नहीं, फोन तो मैं जरूर करूंगा। क्या? लेकिन फोन में तेरी इतनी तारीफ करूंगा, इतनी तारीफ करूंगा, तेरी तरक्की हो जाएगी, तू भी क्या याद करेगा, धंधू का असली खून है। बॉस को सुनाई दे तो अच्छा है। हेलो बहन जी। मिलकर आ गए मेरी सौतन से? हाँ, जाओ जाकर मेरे लिए चाय बनाओ। क्यों, उसने चाय नहीं पिलाई? पागल जैसी बातें कर रही हो, मैं तो रमणी पापा से मिलने गया था। सच? तुम्हारा बाहर किसी चमक छल्लो के साथ चक्कर तो नहीं है ना? नहीं बाबा, कसम से, मतलब कसम से। अगर हुआ तो मेरी जूती तुम्हारा सर। क्या मतलब? तुम्हारा सर मेरी जूती, मतलब तुम्हारी जूती मेरा सर। विस्की की कसम मत खाओ, उसकी पहले ही सुबह से तबीयत ठीक नहीं है। काश हमेशा बीमार ही रहे। क्या? नहीं, मतलब चाय बना लाओ ना प्लीज। चलो, प्रमोशन तो होगा, चाहे रमणी पापा के रिकमेंडेशन से ही हो। अरे एक बार मेरा प्रमोशन हो गया तो यहाँ से ट्रांसफर लेकर चापान एरिया खानदार के पागल बंदरों से अपना पीछा छुड़वा लूंगा मैं। हेलो। बताओ, मैं कौन बोल रही हूँ? अरे मुझे कैसे पता चलेगा आप कौन बोल रही हैं? इतनी जल्दी आवाज भूल गए? कल तो मेरे गले की बड़ी तारीफ कर रहे थे। तो तुम्हारा गला खराब होगा, गले के लिए कुछ लेती क्यों नहीं? तुम ही दिलवा दो ना एक हीरो का हार। हार? कौन बोल रही है आप? चलो बता ही देती हूँ, मैं चंपा। चंपा कहाँ हो तुम? दो दिन से झाड़ू पोता बर्तन नहीं हुआ घर में, जल्दी से घर में आ जाओ। क्या, अब तुम मुझसे बर्तन मंजवाओगे, कपड़े धुलवाओगे? अरे तुम नहीं करोगे तो चुप्पी सब कुछ मुझसे करवाएगी। पता है, दो दिन से घर में झाड़ू पोछा बर्तन नहीं हुआ है। भाई राम, अब तुम मुझसे ये सारे काम करवाओगे तो पगार किस बात की देता हूँ? जल्दी से घर में आ जाओ वरना महीने भर की पगार काट लूंगा। ए, मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ, मैं वही हूँ जो कल तुम्हें नेशनल पार्क में मिली थी, चंपा। शादी के बाद तो नेशनल पार्क गया ही नहीं मैं। तुम्हें मेरा नंबर किसने दिया? तुम ही ने तो दिया था डार्लिंग। डार्लिंग की बच्ची, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, और खबरदार इस नंबर पे आइंदा कभी फोन किया है तो समझी। चंपा, मैंने तुमसे कहा मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। मैं चंपा नहीं, मैं रीना बोल रही हूँ। बाय द वे, ये चंपा कौन है? मुझे क्या पता, कोई रॉन्ग नंबर होगा। बाय द वे, आप कौन है? डार्लिंग, अभी भी गुस्सा हो? आज मेट्रो में पिक्चर देखने चले? अरे आज तक मैंने मेरी चुगी के साथ सिनेमा नहीं देखा, तुम्हारे साथ कैसे देखूंगा? चुगी? ये चुगी कौन है? तुम्हारी जिंदगी में ये चुगी कब से आ गई? जब से शादी हुई तब से। क्या, तुमने शादी भी कर ली? इतना बड़ा धोखा! मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, अपने भाई को तुम्हारे घर भेजकर पिटवाऊंगी, समझ गए? कमाल, ये आज मेरे मोबाइल पे लड़कियों के फोन क्यों आ रहे हैं? समझ में नहीं आ रहा, मेरी इतनी सारी गर्लफ्रेंड्स हैं, किसी का फोन क्यों नहीं आ रहा? सबको मैंने मोबाइल नंबर देके रखा है, न शीना, न टीना, न करीना। आया, फोन आया। हाय स्वीटहार्ट। अबे स्वीट हार्ट के बच्चे, आज मैं तुम्हें हार्ट अटैक आ जाए ऐसी खबर सुनाता हूँ। सुनो, मैंने तुम्हारे पिछले 10 महीने की सैलरी काट दी है। हाँ, वो घड़ियाली का भी फोन आया था, वो तुम्हारी शिकायत कर रहा था। हर काम उल्टे कर रहे हो तुम आजकल। मैं तुम्हें अगली बार गलती की ना तो नौकरी से निकाल दूंगा। अबे मैं तेरे बाप का नौकर नहीं हूँ, फोन रख चल। क्या, हेलो? हाँ, ये क्या, फोन रख दिया? हेलो। तुम्हारी ये हिम्मत, तुमने मेरा, शेर सिंह का, अपने बॉस का फोन रख दिया। भैये मेरा कोई बॉस बॉस नहीं है, और तू कहाँ से टपक पड़ा? पहले ये बता, मेरा नंबर तुझे दिया किसने? अबे नंबर क्या, ये फोन ही मैंने तुझे दिया है। क्या, ये पागल, ये फोन मेरे भाई भदिया ने मुझे दिया है, समझा ना? क्या, ये बता, ये नंबर मैंने सिर्फ लड़कियों को दिया है, तूने कैसे फोन किया? ऑफिशियल नंबर तुम लड़कियों को देके घूमते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। बार बार नौकरी से निकालने की धमकी मत दे, तू है कौन रे? मैं शेर सिंह हूँ, तुम्हारा बॉस। तेरी पगार कितनी? 35,000। मेरे घर पे आ, झाड़ू पोछा कर, 40,000 रुपए दूंगा। क्या, आइंदा कभी फोन किया ना घर पे आके मारूंगा। हेलो, इसकी ये मजाल, शेर सिंह के साथ अपने बॉस के साथ इस तरह से बात की? खटवानी, अब मैं तुम्हें रस्टिकेट ऑफिस से करवा कर ही रहूंगा। अरे कहाँ चले गए, तुम्हारे ऑफिस का टाइम हो रहा है। हेलो, कौन?
जी मैं डिंपल बोल रही हूँ। अच्छा तुम लोग कहाँ मिले थे? जी लवगार्डन के बस स्टॉप पर। ओह क्या आप उनको जरा बता देंगे कि मैं आज शाम के 2 टिकट लेके सन एंड मून सिनेमा हॉल के सामने उनके लिए इंतजार करूंगी। ठीक है मैं उनको बता दूंगी कि तुम आज शाम सन एंड मून सिनेमा हॉल के बाहर 2 टिकट लिए उनका इंतजार कर रही हो। आप कौन बोल रही है? मैं कौन बोल रही हूँ? मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड की बीवी बोल रही हूँ। क्या फोन रख, वरना सिनेमा हॉल के बाहर आकर इतना मारूंगी कि दिन में तारे नजर आएंगे, समझी? आ गई तुम जात पे? क्यों रमणीक बापा से फिर से उलझ रही हो? क्या धमकी दे रही थी उन्हें? रमणीक बापा को नहीं, अपनी सौतन को। तुम्हारी सौतन कौन? डिंपल। और कौन? कौन डिंपल? वही जो तुम्हें लव गार्डन बस स्टॉप पे मिली थी और जिसके साथ चौपाटी पे घूमने जाते हो और उसे पानी पूरी खिलाते हो, और वही जो आज शाम तुम्हारे साथ पिक्चर देखने जाने वाली है। तुम क्या बकवास कर रही हो? अब ज्यादा बोलो मत, डिंपल ने सब कुछ मुझे फोन पे बता दिया है। देखो कोई रॉन्ग नंबर होगा। देखो तुम्हारे अलावा मेरी जिंदगी में कोई नहीं है, तुम्हारी कसम। मेरी छोटी कसम मत खाओ, मैं मर जाऊंगी। मैं वो रिस्क लेने के लिए भी तैयार हूँ। पर इस डिंपल ने तुम्हारे मोबाइल पे फोन क्यों किया था? वो डिंपल से पूछता था, मुझे क्या पता। अच्छा, मुझे सब पता चल गया है। तुम गुलशर्रे उड़ाओ उस डिंपल के साथ और मैं चली अपने मायके, समझे? आंटी डिंपल है? डिंपल? डिंपल नहीं है। अच्छा डिंपल की बहन सिंपल है? हाँ वो जो छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी गुड़िया जैसी है। पहले उसकी बड़ी बहन से तो निपट लो। ओह डिंपल, हाउ स्वीट, व्हाट अ सरप्राइज। मैं अभी तुम्हें ही फोन कर रहा था। अच्छा डिंपल नहीं मिली तो सिंपली सही क्यों? यू फ्रॉड, यू चीट। हैं? अरे मैं सिंपल से तुम्हारे बारे में बात करने वाला था। हाँ हाथ मत लगाओ, सारे मर्द एक जैसे होते हैं। ये तो आज तुम्हारी बीवी ने फोन उठाया तब मुझे पता चला कि आज तक तुमने मुझे धोखे में रखा था। मेरी बीवी ने फोन उठाया? हाँ, कहाँ है वो? बुलाओ उसे, बुलाओ उसे। अभी मैं बता दूंगी उसे, तुम्हारे सारे लफड़ों के बारे में बता दूंगी उसे। बुलाओ। निम्बल हाथ मत लगाओ। अच्छा हाथ हाथ नहीं लगाता हूँ, ठीक है हाथ अंदर रख दिए। किसने बताया मेरी शादी हुई है? मेरी शादी नहीं हुई, मेरी बीवी कहाँ से आ गई? झूठ मत बोलो। किसी पागल कुत्ते ने काटा है क्या तुम्हें? हाँ पागल कुत्ते ने काटा था जो तुमसे प्यार किया। अरे लेकिन डिंपल, डिंपल मेरी बात सुनो। हेलो हेलो, मैं शेर सिंह बोल रहा हूँ। ओफो, मैं पहले से ही लड़कियों से परेशान हूँ और ऊपर से तूने अलग से अपनी डेरी सब चला के रखी है। बंद करना, मुझे फोन करना बंद करना, या मैं तेरे घर पर आकर तेरा फोन तोड़ दूंगा तब बंद करेगा। आ रहा हूँ, मैं तेरे घर पे आ रहा हूँ। तुम्हारा रस्टिकेट लेटर लेकर खोटवानी, घर पर ही रहना, कहीं लड़कियों के साथ गुलछर्रे उड़ाने मत निकल जाना। कमाल है, खोटवानी बोल के, खोटवानी का फोन मेरे मोबाइल पे। लगता है खोटवानी ने बैंक में सबको मेरा नंबर दे रखा है। अब खोटवानी को बोलता हूँ, वरना ये पागल मुझे फोन करता ही रहेगा। चुगी, ऐसा जुल्म मत करो, मैं सीता की तरह पवित्र हूँ, मुझ पर शक का कीचड़ मत उछालो प्लीज। शक नहीं, मुझे पक्का यकीन है, वरना वो डिंपल क्या झूठ बोल रही थी। लगता है मुझे डिंपल को यहाँ बुलाना ही पड़ेगा। हाँ हाँ, अब तो बुलाओ गई ही, मैं मायके जो जा रही हूँ। तो मायके जा रही हूँ इसलिए नहीं, तुम्हारे जाने से पहले बुलाऊंगा। अरे तुम्हारी गलतफहमी दूर करने के लिए। गलतफहमी तो मुझे अब तक थी, आज गलतफहमी दूर हुई है। मैं जा रही हूँ हमेशा के लिए अपने मायके। चुगी ऐसा जुल्म मत करो, अगर तुम विस्की को लेकर चली गई तो मैं किसकी सेवा करूंगा, बिस्किट किसके खाऊंगा, डांट किसकी खाऊंगा। कहाँ है खोटवानी का बच्चा? विस्की को किसने पुकारा? सलाबा, बैठिए। नहीं बैठिए, मैं बैठिए। नहीं मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ खोटवानी के बच्चे। सर खोटवानी का कोई बच्चा नहीं है, पर अब होने के चांसेस भी नहीं है क्योंकि ये चुगी मायके जा रही है। ठीक है तुम्हारे साथ तो इससे भी बुरा होना चाहिए खोटू। सर आप ऐसा सच क्यों बोल रहे हैं सर? क्यों भूल गए तुम? सुबह सुबह तुम मेरे साथ फोन पे कैसी बातें कर रहे थे, इसीलिए मैंने तुम्हें नौकरी से निकालने का फैसला किया है। बिल्कुल ठीक। ठीक कहा भाभी, ये लो तुम्हारा रेजिग्नेशन लेटर, साइन करो और वापस। लेकिन सर मैंने आपसे फोन पे कोई ऐसी वैसी बात नहीं की थी। क्या कहा, तुमने मुझसे बात नहीं की थी तो क्या मैं किसी भूत से बात कर रहा था? खोटवानी अंकल आ गया। खोटवानी, खोटवानी अंकल, आपने मेरे मोबाइल को पेड़ा समझ के रखा है, जो बैंक के सारे स्टाफ ने मेरा मोबाइल नंबर देके रखा है आपने। पेड़ा? पेड़े? तेरा मोबाइल नंबर मुझे पता नहीं, लोगों में कैसे बांटूंगा। तो फिर आपके नाम से, आपकी बैंक से कोई शेर सिंह मुझे बार बार क्यों फोन करते रहता है? शेर सिंह मतलब मेरा फोन तुम्हारे मोबाइल पे लग रहा था।
मुझे क्या पता मोबाइल में तस्वीर दिखाई देती है क्या? क्या बात है? मैं नंबर तो कोटवानी का घुमा रहा था। कोटवानी का? तो फिर मेरा मोबाइल क्यों लग रहा था? अब मोबाइल पर भी क्रॉस कनेक्शन शुरू हो गया। मैं मेरी गर्लफ्रेंड चंपा डिंपल रेखा का फोन का इंतजार कर रहा था और मुझे फोन कर रहा था ये शेर सिंह। सुना 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 तुमने? रेपा चंखा रेखा चंपा वही वही देखा, उन सब लड़कियों के फोन मेरे मोबाइल पे आ रहे थे। मुझे लगता है तुम दोनों के मोबाइल एक्सचेंज हो गए। कैसे पता चलेगा सर? यू आर राइट सर, दोनों के मोबाइल सेम टू सेम है। हेलो हेलो, कान पे लगाना तो पड़ेगा। हेलो पूजा, अरे यहाँ मेरी आरती उतर रही है। एक मिनट, एक मिनट। हेलो पूजा, तुमने किसका नंबर लगाया? मेरा ही नंबर लगाया। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। ये लो अंकल, ठीक कह रहे थे, हमारे फोन एक्सचेंज हो गए हैं। हाँ ये आपका फोन नहीं, ये आपका फोन और ये मेरा फोन। ये मोबाइल फोन एक्सचेंज के चक्कर में मेरी लव लाइफ खतरे में पड़ गई है। पता नहीं खोटवानी अंकल ने मेरी गर्लफ्रेंड्स को क्या क्या अनाप शनाप बोल दिया होगा। अब मैं सबको कैसे पटाऊंगा? तेरी लव लाइफ खतरे में पड़ गई? अरे मेरी तो मैरिज लाइफ और नौकरी दोनों खतरे में पड़ गई। अरे नहीं खोटू, मेरा मतलब है खोटवानी, मैं तुम्हें नौकरी से नहीं निकाल रहा हूँ। ये एक गलत फहमी थी जो खड़ी हो गई थी। बगल में खड़ी है? अब तुम यही रहोगे। सॉरी अंकल, मैंने भी आपको अनाप शनाप बोल दिया। कोई बात नहीं बेटे, होता है। ओ, गलती तो मेरी थी जो मैंने अपने पति व्रता पत्नी व्रता पत्नी व्रता पति पर शक किया। I'm sorry, darling. ये सारे प्रॉब्लम्स की जड़ ये मोबाइल फोन है। मैं तो कहता हूँ ये मोबाइल फोन फेंक दो। सही बात है, न रहेगा फोन न बजेगी घंटी। एक दो तीन हुड। नहीं नहीं, मैं भी फोन फेंक दूंगा तो मेरी गर्लफ्रेंड का क्या होगा? क्या?